हाय गाइस, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं सागर इन्फ्लुएंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आके कैम स्कैनर के बारे में बात करेंगे और गूगल प्ले स्टोर में क्यों इसे निकाला गया है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा गाइस। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेके आते रहता हूँ। इस बात करते हैं कि कैम स्कैनर को क्यों आके गूगल प्ले स्टोर से निकाला गया है। इसके बावजूद गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके करीबन 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड से गाइस। तो आप सोच ही सकते होंगे कि कितने सारे यूज़र्स इसके यूज़ करेंगे और क्यों इसे गूगल से निकाला गया है गाइस। तो मैं बता देना चाहता हूँ, एक बड़ा सा जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि आके रिसर्च करता है, जिसका नाम आके CamScanner करके है कुछ नाम उसका, उन्होंने आके फाउंड किया है कि इस एप्लीकेशन में बहुत सारा मालवेयर है गाइस। मालवेयर का मतलब आपको पता ही होगा कि मालवेयर टाइप्स एडवर्टाइजमेंट है गाइस। मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि सडन से आपके मोबाइल आके वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और एक अलर्ट मैसेज दिखाता है कि योर फ़ोन हैज़ बीन इन्फेक्टेड या फिर कुछ और ऐसा दिखाता है और बोलता है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो जिससे आपका जो कोई भी है वायरस ही निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ये सब कुछ एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि मालवेयर एड्स करके हम लोग इसे कहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आके गूगल को पता चला, मतलब जो गूगल प्ले स्टोर को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है करके, तो गूगल ने आके अपना एक्शन लेते हुए उस एप्लीकेशन को निकाल दिया गूगल प्ले स्टोर से। आपने अगर इस प्रॉब्लम को फेस किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा गाइस, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जब आप ये स्कैनर को डाउनलोड कर रहे थे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं बताना चाहता हूँ गाइस यहाँ पे, और जो एप्पल के यूज़र्स थे जिसमें ऐप स्टोर आ जाता है, तो ऐप स्टोर में भी ये ऐसा कोई प्रॉब्लम देखा नहीं गया है, लेकिन सिर्फ आके एंड्रॉयड का जो ये है प्ले स्टोर उसमें देखा गया था। और जो कि इसका जो प्रीवियस अपडेट आया था उसके बाद, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ अजीबोगरीब एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा होगा उस एप्लीकेशन में। तो इसी कारण से गाइस गूगल ने इसे निकाल दिया है। हो सकता है कि ये वापस आ सकता है, हो सकता है कि ये कैम स्कैनर जो एप्लीकेशन है ये फिर से आ सकता है अपना नया एक अपडेट लेके और आके अपने पॉलिसीज को चेंज करते हुए। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो कोई भी एप्पल का जो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, क्योंकि उनके उस एप्लीकेशन में कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं देखा गया है। एप्पल के यूज़र्स के लिए कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एंड्रॉयड के जो है उन लोगों को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन कुछ ऐसे ऐप्स को प्रमोट कर रहा है जो कि ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो यूज़ करके लॉगिन हो सकता है और आके कोई भी परचेस कर सकता है एप्लीकेशन को। ओके, तो आपको पता होगा कि एप्लीकेशन परचेस क्या होता है। एप्लीकेशन परचेस मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को परचेस करते हो गूगल प्ले स्टोर से, तो सेम टू सेम वैसा कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन के बैकग्राउंड में रन हो सकता है। तो अब बात करते कि ये कैम स्कैनर का अल्टरनेटिव क्या है। आपको भी डाउट होगा कि आपने तो ऐसा प्रॉब्लम बता दिया, तो हम लोग किसके ऊपर जाके भरोसा करें। तो गाइस यहाँ पे गूगल के तरफ से खुद एक ये आता है स्कैनर, जो कि पीडीएफ मतलब जो कि स्कैनर की तरह काम करता है, बिल्कुल अच्छा है गाइस। मैं इसे यूज़ भी कर चुका हूँ और मेरा एक वीडियो भी है प्रीवियसली, आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे है, आप जाके उसे देख सकते हो कि कैसे इस्तेमाल करते हैं गूगल स्कैनर को। वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का देता है गाइस स्कैन करके। और मैं बताना चाहता हूँ गाइस, ये आके गूगल के तरफ से है, तो आपको परेशान नहीं होगा कि इसमें कोई डेटा लीक होगा या फिर कुछ और। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस, और कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि मैं इसी तरह रोज़ाना आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।